कोई पुरुष इस बात की जानकारी चाहता तो मैं उसे हाँ या ना में कुछ जवाब ही देती, पर एक औरत का हृदय पाकर इसने यह बात मुझसे पूछी, इसका मैं क्या उत्तर दूँ? भला ऐसी बातों में औरतें कब सच बोलने लगी? यह न्याय राजा जी के बिना नहीं हो सकता। कोई दूसरा इसमें पंचायती करेगा तो सारी बस्ती आफत में फंस जाएगी। इन दोनों को एक बार राजा जी के हवाले कर दो, फिर राजा जी जाने और सेठ जी जाने। बरगद के पेड़ से बाहर निकला भूत हवेली के भीतर जा बसा था। अब गडरिये के न्याय द्वारा इस प्रकार पहले वह छागल के भीतर घुसा दिया गया और फिर छागल के साथ कुएं के अंदर। भैया न्याय तो राम जाने क्या हो, पर तू अच्छी तरह जानता है कि मैं सेठ जी का असली बेटा हूँ, सच्चा पति हूँ, किंतु तू कौन है यह तो बता। मैं औरतों की चमड़ी के भीतर का सूक्ष्म तत्व हूँ, उनके प्रेम का अधिकारी हूँ। व्यापार और कमाई से कहीं ज्यादा मुझे मोह और प्रीत की लालसा है। दूसरी बकवास से मतलब नहीं, साफ साफ बता कि पावन बेदी तूने उसका हाथ पकड़ा था क्या? खोरे मोरे हाथ पकड़ने से क्या होता है, पावन बेदी की दुहाई सारी उम्र नहीं चलती।
इतने सारे लोग इकट्ठे होके कहाँ जा रहे हो? दो तीन बार खुलासा करने के बाद गडरिये के समझ में आया कि किस बात का तूफान है। इस छोटे से काम के लिए बेचारे राजा को क्यों तकलीफ देते हो? ये न्याय तो मैं ही सलटा दूंगा। ठंडा पानी पियो और आराम से बैठो। इन्हें इस तरह पकड़ा क्यों? ये दौड़कर कहां जाते? क्या ये गुंगे बहरे तो नहीं है? अरे भले आदमियों, दोनों में एक तो झूठा है ही, फिर इतनी तकलीफ क्यों उठाई? इनसे वहीं पूछताछ कर लेते। समझ गया, सब समझ गया। ये बोलना तो जानते हैं, साथ ही झूठ बोलना भी सीख गए। पर कोई बात नहीं, पेट में उलझा हुआ सांस अभी बाहर निकाल दूंगा। बोलो किसके मुंह में तड़ा घोसेड़ो? जो पहले मुंह फाड़ेगा वही सच्चा है। वारे पट्टे, शाबाश। तुझ जैसे सच बोलने वाले को इन मूर्ख लोगों ने कितना हैरान किया। पर एकाध परीक्षा और लूंगा, बहम की थोड़ी गुंजाइश भी क्यों रहे। मैं 7 तालियां बजाऊं उतनी ही देर में जो सारी बेड़ों को शामिल कर। उस खेजड़ी के चारों ओर खड़ी कर देगा, वही सच्चा है। वाह, क्या कहना है? सच्चे पति के सिवा इतना हौसला किसका हो सकता है? आखिरी छानबीन और कर लो, थोड़ी देर लगेगी।
सात चुटकियों के साथ ही जो आदमी इस छागल के भीतर घुस जाएगा वही सच्चा स्वामी है। न्याय सल्ताने में ये दे चागल तो मेरी बेकार जाएगी पर न्याय जरा से सोच विचार कर ही चला। चलो साथ चलते हैं। अगले कुछ दिन बापू तेरी गाय हूँ, एक बार घर निकाल दे, जीवन भर तेरा रेवर चराऊंगा, जीवन भर तेरा रेवर चराऊंगा, एक बार घर निकाल दे।
हवेली के अंदर घुसते ही सेठ जी का बेटा सीधा मेढ़ी की ओर लपका, एक एक बोल के साथ जच्चा के कलेजे में अंगार सदह कोटता था। उसके मुंह से कोई आह नहीं निकली, पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप सुनती रही। पर तुम इतनी गुमसुम क्यों हुई? जन्म देने वाले माँ बाप भी जब नहीं पहचान पाए तो भला तुम क्यों कर सही सही पहचान कर सकती? इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं, पर नालायक भूत पे तो वापस खो भी बीती। ऐसे लक्षण थे उसके, छागल के भीतर घुसते ही खूब रोया चिल्लाया, फिर कौन रहम करता हम ऐसे नादान कब के। आखिर कुएं में फेंकने के बाद ही पीछा छूटा और उसका चिल्लाना बंद हुआ। दुष्ट हरामी कहीं का, आखिर छल का मजा चखा ही दिया।